आज के इस ज्योग्राफी क्लास में हमारा टॉपिक है जनसंख्या एवं नगरीकरण। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ से एग्जाम में आपके लिए प्रश्न जरूर मिलते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपको फायदा जरूर हो। चलिए आज के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1861 में, 1872 में, 1881 और 1882। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर दो, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना संपन्न हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा 1881 से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जो जनगणना है वह किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया है? रीटा, कैटरीना, सुनामी और आस्था, इनमें से कौन सा नाम रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, आस्था नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर पाँच, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें स्थान हो जाएगा दूसरा। ठीक है, द्वितीय स्थान हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह स्थान हो जाएगा द्वितीय। क्वेश्चन नंबर छः, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा, डी 121.05 करोड़ भारत की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है लगभग? क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग 14.5%, 17.5%, 19.5% और 21.5%। इसमें सही आंसर हो जाएगा 17.5%, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है कितनी, 17.5%। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? ठीक है, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और ब्राजील। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो इसमें आंसर सही हो जाएगा कौन सा, ए ऑस्ट्रेलिया के बराबर वृद्धि हो रही है। कौन सा आंसर सही रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 ईस्वी को, 1931 ईस्वी को, 1941 और 1951। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 1921 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं। तो जो 2011 की जनगणना हुई थी वह इतिहास में कौन सी जनगणना थी? ठीक है, भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसमें आपको आंसर बताना है 13वीं थी कि 14वीं, 15वीं, 16वीं। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 15वीं थी। ठीक है, कौन सी जनगणना थी जो 2011 में हुआ था, वह तो 15वीं जनगणना हो जाएगी। समझ में आ गया, चलिए आगे देख लेते हैं। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7वीं। फिर से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो इतिहास की हो जाएगी आपकी 15वीं। ठीक है, इतिहास की कौन हो जाएगी, 15वीं। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, 7वीं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इतिहास की कौन सी जनगणना, 15वीं, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना थी जो 2011 में हुई थी, वह है 7वीं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? 12वां क्वेश्चन कह रहा है जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो वह 10 वर्ष में एक बार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल।
इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए आगे देख लेते हैं। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा आंसर सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 15। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, तृतीय स्थान है, कौन सा, तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 16। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितनी प्रतिशत है, 14.2%, 15.5%, 16.5% और 18.5%। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, 16.5% है, कितना, 16.5%। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के तीन सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के तीन सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। ये हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत के तीन सबसे बड़े राज्य का सही क्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के तीन सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम बताइए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ा, तीन सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। और सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम तो इसमें हो जाएगा सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिख रहा है, सिक्किम, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश, ये छोटे राज्यों का सही क्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश इसमें हो जाएगा दिल्ली, कौन सा आंसर हो जाएगा, दिल्ली। यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो हो जाएगा लक्षद्वीप। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यदि हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली, और सबसे छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं तो ऐसा मत किया करिए, लाइक जरूर कर दिया करिए और वीडियो को देख पूरा देखा करिए, जिससे आपको फ़ायदा हुआ करे। ठीक है, आपके पास यदि व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप हो वहाँ पे आप शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।